हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि करंटली यहाँ पर जो है हमें नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स है वो किस तरह से ट्रेड होते हुए देखने मिल रहे हैं, और नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पर हमें किस तरह का प्राइस मोमेंटम फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करने वाले। सो फॉर टाइम बिंग हम यहाँ पर पाइवट फिबोनाची हटा देते हैं और यहाँ पर एनालिसिस करते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर इस वीक को अच्छी तरह से अगर हम एनालाइज भी करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियरली इंटीमेशन मिल रहा है कि ये जो वीक था उसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है डाउन ट्रेंड या फिर नेचुरल गैस के अंदर अच्छा सा करेक्शन यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड के अंदर फॉलोअप होते हुए देखने को मिला है। सो जो पिछला वीक था वो बुलिश साइड पर या फिर शॉर्ट साइड पर जो है ज़्यादा प्रेशराइज होते हुए देखने को मिला है, बट ऑन द अदर साइड यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गैप है वो अभी तक फिल होना बाकी है। सो ये जो गैप है वो फेब या फिर मार्च फ्यूचर्स के अंदर ज़रूर आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज़ पॉजिटिव सेंटीमेंट या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट हमें कब देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग हुई है वो भी काफ़ी बैरिश हुई है। सो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हम 1 से 2 पॉइंट के गैप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम जो है 292 के प्राइस बैंड का वेट करेंगे। अगर यहाँ पर 292 का प्राइस बैंड अगर और गिरता है तो वहाँ से एक फिर से शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है। ऑन द अदर साइड अगर यहाँ पर आपको बुलिश चेन बनानी है तो 306 या फिर 307 के ऊपर अगर यहाँ पर कैंडल्स मूव ऑन करना स्टार्ट करता है तो काफ़ी अच्छी जो है तेजी के संकेत यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज वो एक ब्रेकआउट लेवल भी है और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो हमें जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है उसका भी यहाँ पर हमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजिशन भी देखने को मिल सकती है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 307 का प्राइस बैंड अगर यहाँ पर ब्रेक होता है। तो RSI की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो RSI यहाँ पर काफ़ी बैरिश साइड पर ही यहाँ पर आपको करंटली ट्रेड होते हुए देखने मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव साइड यहाँ पर अभी तक हमें देखने नहीं मिला है। बट एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की अगर यहाँ पर बात करें जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है, बट यहाँ पर अभी तक जो है प्राइस में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। सो ये इंडिकेशन ये देता है कि यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। यह 100% श्योर नहीं है, बट यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की अगर यहाँ पर इंडिकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो थोड़ी बहुत तेजी या फिर अप ट्रेंड के जो यहाँ पर सिग्नल्स है वो थोड़े बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। MACD के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर हमें एट द एंड ऑफ द सेशन 1 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या इंटीमेशन देखने को मिला है, तो यहाँ पर हमें जो है बेरिश साइड पर ही यहाँ पर आपको जो है ट्रेड जो है हमें कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिला है। सो मंडे सेशन के लिए 292 के प्राइस बैंड के नीचे जो है यहाँ पर अगर गैप डाउन या फिर बड़ा गैप अप नहीं होता है तो बिलो द प्राइस ऑफ 292 यहाँ पर आप जो है शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो और 307 के ऊपर यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन बनाने का कंसोलिडेशन कर सकते हो। बट और उसी के साथ साथ में अगर यहाँ पर आपको ट्रेड लेना हो इंट्राडे बेसिस के अंदर भी तो यहाँ पर डे बेसिस का भी अगर यहाँ पर हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर लॉन्ग साइड पे आपको जरूर देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपकी मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।